राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आज जारी हो गया है और इस बार बेटियों ने फिर से बाजी मारी है। बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर और संभागीय आयुक्त महेश चंद शर्मा ने शाम 5 बजे बोर्ड ऑफिस में रिजल्ट घोषित किया। आइए जानते हैं इस साल के रिजल्ट की खास बातें और आंकड़े। इस साल 10वीं का कुल परिणाम 93.03% रहा, जो पिछले साल के 90.49% से काफी बेहतर है। खास बात यह है कि छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 93.46% रहा, जबकि छात्रों का 92.64%। यह साफ दर्शाता है कि बेटियों ने एक बार फिर से अपनी मेहनत और समर्पण से साबित कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं हैं। जोधपुर जिले ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया है, जहां का रिजल्ट 93.80% रहा। वहीं जोधपुर ग्रामीण का रिजल्ट 96.67% रहा, जो टॉप 5 जिलों में शामिल है। ये तो गरिमा के पिता प्राइवेट जॉब करते हैं और गरिमा ने बताया कि आगे चलकर साइंस बायो की पढ़ाई कर नर्सिंग में कैरियर बनाना चाहती है। मेरा नाम गरिमा जांगीड है और मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। मैंने रोजाना 8 घंटे पढ़ाई की है और मुझे आगे साइंस बायो लेना है और उसमें नर्सिंग करनी है। मेरा नाम मनोज है, मेरे पिताजी का नाम मांगीलाल जी है और मेरे माताजी का नाम डाली देवी है। मैंने हाल ही में 10th बोर्ड का एग्जाम दिया, उसमें 96.67% बने हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम आयुष भसनी है, मेरे क्लास 10 में 95.67% बने हैं एंड द बेस्ट सेकंड स्कूल का मुझे किया और मेरे इस बड़ी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता समस्त गुरुजनों को देना चाहता हूँ और विशेषकर कृषि वर्ष श्री नयन सिंह सर ने मेरे इस सफलता में बहुत सहयोग किया। मैं आगे चलकर लोकल 18 के लिए जोधपुर से कृष्णा कुमार गौड़ की रिपोर्ट।